Hello students, how are you all? So yesterday we have completed our 7th chapter Glimpses of India and the 8th chapter Miss Bill the Otter now is not in your syllabus for this session. It has been out. Okay, today we start 9th chapter Madam Rides the Bus by Valli Kannan. In this story we read about an 8-year-old girl's first bus journey into the world when he went outside her village. It's also her induction into the mystery of life and death. She through this journey she came to know about the mystery of life and death. She sees the gap between death and how we understand of it. So let's continue it. There was a girl named Vallimai, who was called Valli for short. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happening in the street outside. There were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. देर वॉज अ गर्ल एक बार एक लड़की थी जिसका नाम था वल्लीअम्माई जो कि वल्ली के नाम से जानी जाती थी. उसका शॉर्ट नेम वल्ली था, उसको सब वल्ली कहकर बुलाते थे. शी वॉज 8 years ओल्ड, वो 8 साल की थी एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और हर एक चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती थी. हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस. जो उसका सबसे फेवरेट पास टाइम था वो अपने घर के बाहर वाले दरवाजे पर, जो मेन गेट होता है वहाँ पर खड़े रहना उसका सबसे ज़्यादा पास टाइम था. बिकॉज वॉचिंग व्हाट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर गली में क्या कुछ हो रहा है वो उसको देखकर अपना टाइम पास करती थी. देर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन स्ट्रीट, क्योंकि उसकी गली में उसके साथ खेलने के लिए उसका कोई प्लेमेट नहीं था जो कि उसकी एज का हो. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और बस इसीलिए उसको ऐसा करना पड़ता था. अपना टाइम पास करने के लिए वो गली में खड़ी हो जाती थी अपने घर के मेन गेट पर. बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज वेरी एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड. लेकिन वल्ली के लिए मेन गेट पर खड़े रहना बहुत ही इंजॉयबल था, उतना इंजॉयबल था जितना कि बाकी दूसरे बच्चों के लिए गेम खेलना था. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, और इस तरह से गली में खड़े होकर उसको बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ से उसको कई सारे अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस मिलते थे, बहुत सारे अनुभव उसको मिलते थे. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग्स ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन. तो उसके लिए सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग थिंग जो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी वो क्या थी, वो बस थी जो उसके गांव से और उसके टाउन के बीच में चलती थी. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. ये बस उसकी गली से हर एक घंटे के ड्यूरेशन पे वहाँ से पास आउट होती थी. एक बार वो शहर जाती थी और फिर एक बार वो वापस आती थी. The sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli. तो उस बस का जो दृश्य था जिसमें कि हर बार नए नए पैसेंजर्स होते थे, नए नए पैसेंजर्स से भरी हुई वो बस, हर बार उसमें अलग अलग पैसेंजर्स होते थे, तो वो बस उसके लिए एक ऐसा सोर्स थी जो कि उसको बहुत ज़्यादा जॉय देता था, बहुत ज़्यादा खुशी देता था और उसका कोई एंड नहीं था. मीन्स उसके लिए एक अनएंडिंग हैप्पीनेस का सोर्स थी. डे आफ्टर डे शी वॉच्ड द बस एंड ग्रेजुअली अ टीनी क्रैप इन टू हर हेड एंड ग्रू देयर. शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस. तो डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, हर बार
वो उस बस को देखती थी एंड ग्रेजुअली और धीरे धीरे अ टीनी विश, एक छोटी सी इच्छा क्रैप्ड इनटू हर हेड, उसके दिमाग में आई एंड ग्रू देयर, और वो जो आइडिया उसके दिमाग में आया वो आइडिया बढ़ता ही चला गया। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, वो उस बस में राइड करना चाहती थी, इवन इफ जस्ट वन, चाहे तो केवल एक ही बार, बस एक बार वो उस बस की सवारी करना चाहती थी। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। तो जो ये उसकी विश थी, इच्छा थी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग एंड स्ट्रोंग होती चली गई और इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग हो गई कि ये उसके लिए एक ओवरवेलमिंग डिज़ायर बन गई, एक ऐसी इच्छा बन गई जिसको वो हर कीमत पर पूरा करना चाहती थी। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गोट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। तो वल्ली उन लोगों को जो उसकी गली के कॉर्नर पर जब बस रुकती थी तो लोग चढ़ते थे और उतरते थे, कुछ जिनको जाना होता था शहर वो वहाँ बस में चढ़ते थे और जिन जो शहर से वापस आए थे वो बस से उतरते थे। तो उन लोगों को बहुत ही विस्टफुली मीन्स बहुत ही डिस्ट्रेसफुली, उदासी से वो उनको घूर घूर कर देखती रहती थी। देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स। तो उनके चेहरे जो हैं उसकी इच्छाओं सपनों और उसकी जो उम्मीदें थीं उनको किंडल करते थे, उनको और ज़्यादा बढ़ाते थे। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइबल द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड, नीदर शी नोर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड बट दे यूज इफ ऑफ्टन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। तो अगर कभी ऐसा होता कि वल्ली के फ्रेंड्स में से कोई भी एक हैपन टू राइड द बस, उस बस की सवारी करके आ जाता और फिर ट्राई टू डिस्क्राइब, दिस वर्ड इज डिस्क्राइब, दिस इज मिस स्पेल्ड हियर, डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, और आकर टाउन के दृश्यों को उसके सामने डिस्क्राइब करता, उनका वर्णन करता, तो वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन। वल्ली इतनी ज़्यादा जेलस हो जाती। देखिए हियर यूज़ ऑफ टी डबल ओ टू एंड टू, दिस मीन दिस सेंटेंस इज नेगेटिव। वल्ली वुड बी टू जेलस, वल्ली इतनी जेलस हो जाती कि वो उसकी बात सुनती ही नहीं और वुड शाउट इन इंग्लिश, और इंग्लिश में चिल्लाने लगती प्राउड प्राउड। नीदर शी, ना ही तो वल्ली, नोर हर फ्रेंड्स, ना ही उसकी फ्रेंड्स रियली उस वर्ड का मीनिंग समझती थी, लेकिन दे यूज्ड इफ इट ऑफ्टन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन मीनिंग किसी को नहीं पता था, लेकिन वो उस वर्ड का यूज़ करते थे एक डिसअप्रूवल के सेंस में, एक ऐसे एक्सप्रेशन के सेंस में कि जो उनको अपनी बात को असहमति देने के लिए यूज़ करते थे। मीन्स जब उनको किसी बात के लिए अपना डिसअप्रूवल देना होता तो वो इस वर्ड का यूज़ करते थे प्राउड प्राउड, और वैसे उनको इसका मीनिंग नहीं पता था। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।